हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी में सबसे पहले आप पृथ्वी का एक ये चित्र देखिए। इसमें आपको ये जो एरो दिख रहे हैं, जैसा कि हमें पता है, अगर आप मैप में देखते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में होता है पश्चिम दिशा और राइट साइड में होती है पूर्व दिशा। ये एरो हमें दर्शा रहे हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी कि घूमती है। अभी आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों को देखेंगे तो आपको ऊपर की पूरी बातें मैं समझा सकता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, पृथ्वी इस तरीके के आकार की होती है। आपको ये आकार कैसा गोलाकार दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं होती है। जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी होती है, और इसके जो अक्ष हैं वहां पर हल्की सी उभार होता है, इसमें निकली हुई होती है। क्योंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार जैसा होता है, और पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। एक तो जो हमने एक अक्ष माना था पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा, एक काल्पनिक रेखा है, इसे अक्ष बोला जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी जगह पर भी घूमती है, उसे बोलते हैं घूर्णन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की तरह चक्कर लगाती है, उसे बोला जाता है परिक्रमण। पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो है 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा का पूरा लगा लेती है। इसे पृथ्वी का दिन भी बोला जाता है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। और परिक्रमण जो कि पृथ्वी लगाती है 365 दिन और 6 घंटे, और पृथ्वी के एक परिक्रमण को बोला जाता है एक वर्ष। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक वर्ष को 365 दिन ही काउंट करते हैं। इसी वजह से जब चौथा साल आता है तो जो 6-6 घंटे हम जिन्हें काउंट नहीं करते हैं वो होकर के 24 घंटे हो जाते हैं, और वो लीप का वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसे हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, फरवरी 29 डेज की हो जाती है। ये बातें क्लियर हो गई। अभी यहां पर जैसा आप देख रहे हैं, एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ उजाला है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है। कैसे झुकी है, इस चित्र में देखिए। मान लीजिए पृथ्वी अगर गोल है और नॉर्मल होती, अपने अक्ष पर झुकी ना होती, नॉर्मल एक गेंद की तरह होती, और ये है जमीन या फिर एक समतल भाग है जिस पर सूरज भी है पृथ्वी भी है, तो ये नॉर्मल 0-0 डिग्री अपना एक कोण बना रहे होते। लेकिन पृथ्वी थोड़ी सी झुकी है, इस तरीके से पृथ्वी का अक्ष है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पूरा का पूरा उत्तर में नहीं है और दक्षिणी ध्रुव पूरा का पूरा दक्षिण में नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है, वो कितना कोण पे झुकी हुई है, 66 डिग्री और 30 मिनट। ये जो समतल होता है इसे बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे पृथ्वी के अक्ष इस तरीके से है, और पृथ्वी की स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है चाहे वो चक्कर लगाते समय किसी भी जगह पर हो। तो ये जो कोण है वो बनता है 66 डिग्री 30 मिनट का। अभी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है, तो पृथ्वी का जो आधा भाग है वो हमेशा उजाले में रहता है, और दूसरा आधा भाग है वो रहता है अंधेरे में। लेकिन ये भाग बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जो आधा भाग जहां पर ये दो व्रत एक दूसरे को मिलते हैं उसे बोलते हैं प्रदीप्त व्रत, जहां से ये दिन और रात अलग अलग होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें, उसे बोला जाता है प्रदीप्त व्रत। ये बातें आपकी समझ में आ गई। यहां पर आप देख सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, और यह अपने कक्षीय सतह से 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यही मैंने सब आपको बताया था। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। ऐसा आपने देख लिया, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। अभी आपको ये बात भी मालूम होगी, फिर भी एक बार आपको याद दिलवा देता हूं। भारत के जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती या फिर घूमती है। अभी पृथ्वी का घूर्णन ना करने से क्या फर्क पड़ता, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो हमेशा पृथ्वी के एक भाग पर दिन होता और पृथ्वी के एक भाग पर रात होती। तो जिस भाग पर दिन होता वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती, और जिस भाग पर रात रहती वहां हमेशा अंधेरा रहता और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती, तो जीवन हमारे पृथ्वी पर संभव नहीं था। तो पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, इनकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। घूर्णन की वजह से क्या संभवता है वो आपने समझ ली। अभी परिक्रमण की वजह से क्या होता है,
परिक्रमण क्या होता है? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पूरे साल में, जो कि होता है 365 दिन और 1/4 यानी कि 6 घंटे में होता है। अभी ये जो फिगर है इसको बड़े सावधानी से समझिए, क्योंकि यहीं से आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आएगा। जैसे कि यह है सूर्य, पृथ्वी 21 जून, 21 जून का क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो कैसे होता है, 21 जून को पृथ्वी की स्थिति ऐसे होती है जो आप देख रहे हैं। पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर हमेशा झुकी रहती है, चारों फिगर में देख सकते हैं पूरी वर्ष के दौरान, तो जब ये झुकी हुई है तो पृथ्वी के सामने जो हिस्सा है यानी कि पृथ्वी में ये जो है भूमध्य रेखा है और ये ऊपर वाली है कर्क रेखा। तो पृथ्वी की जो रोशनी पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। कर्क रेखा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, और ये जो उत्तरी जो ध्रुव है वो भी सूरज के सामने है यानी कि रोशनी में है। तो इसमें क्या होगा, 21 जून से लेकर के आप देखेंगे 22 दिसंबर तक, तो 22 दिसंबर से पहले तक यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने तक जो दक्षिण ध्रुव है उस पर सूरज की रोशनी नहीं जाती है, वो अंधेरे में रहता है। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ रहता है, और 22 दिसंबर से लेकर के फिर 21 जून तक दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ होता है, और जो उत्तरी ध्रुव है वो अंधेरे में आ जाता है। इसीलिए वहां पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये तो बात हो गई। अभी चूंकि कर्क रेखा पर सीधी सीधी रोशनी पड़ रही है, इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें गर्म ज्यादा रहता है जून के टाइम पर। तो जून से लेकर के सितंबर तक आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध ज्यादा गर्म रहेगा। उत्तरी गोलार्ध के एरिया, कर्क रेखा खास करके एरिया में गर्मी ज्यादा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कम होती है। यह आपने समझ लिया। और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन का भाग ज्यादा रहता है, तो वहां पर दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे बोला जाता है उत्तरी अयनांत। और जब 3 महीने के बाद पृथ्वी की स्थिति यहां होती है 23 सितंबर पर, तो यहां पर ना तो उत्तरी ध्रुव उसके सामने होता है ना ही दक्षिण ध्रुव। अगर आप इमेजिन करेंगे कोई एक चीज को सूर्य मान करके आप बीचों बीच रख लीजिए, उसके चारों तरफ एक दूसरी चीज को पृथ्वी मान करके चारों तरफ जब आप घुमाएंगे तो आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा उसको अक्ष पर झुका हुआ होना चाहिए। तो इस समय पे क्या होता है, ना तो उत्तरी ध्रुव उसके सामने होता है ना ही दक्षिण ध्रुव सामने होता है। तो उस समय पे ना ही दिन बड़े होते हैं ना ही रात, दोनों के ही बराबर होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और इस अवस्था को बोला जाता है विषुव। उसके जस्ट 3 महीने उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि सर्दियां होती हैं। ठीक 3 महीने के बाद जब पृथ्वी की स्थिति इस टाइप की होती है, उस समय क्या होता है, दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ मुंह होता है यानी कि दक्षिण ध्रुव पर उजाला होता है, और दक्षिण का जो भाग है जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो दिसंबर के महीने में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु होती है, और जो उत्तरी गोलार्ध है जिसमें उत्तरी ध्रुव पूरा का पूरा अंधेरे में होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं भारत देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो वहां पर दिसंबर में सर्दियां होती हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है और ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में क्रिसमस के टाइम पर गर्मियां होती हैं। अब इसके 3 महीने के बाद का समय देखा जाएगा 21 मार्च। उससे पहले एक बात और, 22 दिसंबर को क्या होते हैं, चूंकि मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये अवस्था होती है दिन ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहां पर दिन बड़े होते हैं और रातें, यहां पर क्या होता है दिन बड़े होते हैं। तो इसी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है जैसे कि भारत हमारा देश है, वहां पर क्या होता है रातें बड़ी होती हैं। फिर हम देखेंगे 21 मार्च का समय, 21 मार्च को 3 महीने के बाद क्या होता है, फिर से वही स्थिति होती है 23 सितंबर वाली कि कोई भी ध्रुव सूरज की तरफ नहीं होता है पूरी तरीके से और दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। तो अभी आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा जो इस बुक में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने लीप के ईयर के बारे में बताया था, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप का वर्ष कहा जाता है। यह बात आप समझ गए होंगे। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत और शरद 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतु में परिवर्तन किस वजह से होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से। ये चीज आप ध्यान रखिए, पॉइंट को नोट कर लीजिए। अभी जो ऊपर जो फिगर में मैंने आपको समझाया था उसे आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ऊष्मा अधिक होती है यानी गर्मी पड़ती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, 22 दिसंबर तक। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ठीक इसी तरह से 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने की वजह से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है जहां पर रातें लंबी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व गर्मियों में होता है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो स्थिति होती है उसमें सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ये सब मैंने जो समझाया था चित्र के साथ वही सब बातें हैं, तो ये सब बातें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये तो रहा चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है कक्षीय समतल से 66 डिग्री और 30 मिनट। घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो कि 24 घंटे का समय है एक दिन, और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर घूमने का समय। लीप वर्ष क्या होता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है यानी कि 366 दिन, फरवरी 29 महीने की होती है। उत्तर और दक्षिण अयनांत क्या है, उत्तर अयनांत दक्षिण आपको पता चल गया है, जब 21 जून को यानी कि जब ध्रुव उत्तरी ध्रुव जब सामने होता है सूरज के और उसमें क्या होता है दिन बड़े होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो ये सब उत्तरी अयनांत होता है। सेम दक्षिणी अयनांत जब 22 दिसंबर के समय के आसपास होता है जब क्या होता है जो ग्रीष्म ऋतु वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और विषुव क्या है, विषुव होता है जब सूरज की किरणें सीधी की सीधी विषुवत व्रत पर पड़ती हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, कोई भी ध्रुव सूरज के चष्ट सामने नहीं होता है जैसे कि 21 मार्च। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों, सेम उसी वजह से क्योंकि उस समय तक स्थिति बदल जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सामने आ जाता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, तो पूरे के पूरे 6 महीने तक जो उत्तरी गोलार्ध जब सूरज की किरणें सामने पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी ध्रुव सामने रहता है और जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है तो दक्षिण ध्रुव सामने रहता है 6 महीने तक। कुछ क्वेश्चन हैं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं, विषुवत व्रत पर पड़ती हैं 21 मार्च को। और गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है घूर्णन की वजह से और परिक्रमण की वजह से या गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो आप किस वजह से समझेंगे ऋतुओं में परिवर्तन, परिक्रमण की वजह से। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को एक दिन, प्रतिदिन की गति को एक दिन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी की सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये कुछ जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।